हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने मूली के पराठे खाए होंगे, मूली की भुजिया खाई होगी, मूली की सलाद खाई होगी, लेकिन आज मैं मूली से बनने वाली एक अलग तरीके की लाजवाब सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो खाने में काफी टेस्टी लगती है। अगर आपके घर में किसी दिन कोई भी सब्जी ना हो तो आप केवल मूली से एक सब्जी बना सकते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए मूली। मूली को मैंने अच्छे से धोकर छील कर गोल गोल शेप में काट लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से मूली को सीधा या गोल शेप में काट सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, 4 से 5 कड़ी पत्ते, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, सरसों का तेल। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, सरसों के दाने डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। सरसों के दाने हमारे अच्छे से चटक चुके हैं, अब कड़ी पत्ता डालेंगे, हींग डालेंगे, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अब इसमें मूली को डालेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मूली अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, चलिए सब्जी को चेक करते हैं। मूली हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, सब्जी बनकर हमारी तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आप नींबू का रस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म मूली की सब्जी हमारी तैयार है। इसे आप किसी भी रोटी या पराठे के साथ बनाकर खा सकते हैं, यह खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है। मैं इसे एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू।